जरूरत आंटी? हाँ बोलो रमशा, क्या बात है? आपसे तो मिलने बड़े बड़े गेस्ट आए। आपकी समधन और बीना के आशिक की वालदा साहिब आई हैं। शट अप रमशा, ये कोई मजाक का वक्त है? आई एम सीरियस, वो दोनों खवातीन बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। मगर क्यों, क्यों आई हैं? किसने बुलाया उन्हें यहाँ पर? ऑफ कोर्स बीना ने बुलाया होगा। बीमारी का ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बिला वजह के हम दर्दियां समेट रही और कुछ नहीं कर रही। अच्छा सुनो, बीना को मत बताना कि वो लोग यहाँ आए, क्योंकि वो आएगी ना तो फिर फजूल किए रोने धोने के ड्रामे शुरू हो जाएंगे इन लोगों के। मशीन से कहो उन्हें बिठाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। आजकल के जमाने में कौन किसी के घर बगैर कॉल किए जाता है, हद होती है। आ गई मोटा के। अज़लान, मैं तुम्हारी मोहब्बत को भूल नहीं पाई। तुमसे शादी ना करने के फैसले पर बहुत पछता रही हूँ। इसीलिए जल्द ही निहाल से तलाक लेने का सोच रही हूँ। निहाल एक बहुत बुरा इंसान है। इसके साथ रहकर मुझे एहसास हो गया कि वो तुम्हारी बराबरी भी नहीं कर सकता। तुम बहुत बेहतरीन इंसान हो, बहुत अच्छे। आई मिस यू सो मच। बीना मेरी कॉल सेव करो, मुझे बात करनी है।
तुम्हारे मैसेजेस पढ़ने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मुझसे बात करो हर सूरत में। कौन से मैसेजेस? क्या बने यार, कब से धोखा दे रही हो मुझे? कब से ये सब कुछ चल रहा है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? निहाल, ये मैसेजेस मैंने नहीं किए। मैं नहीं जानती इन मैसेजेस के बारे में। मैं सच कह रही हूँ, आप जानते मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता, कमरे में पड़ा रहता है मेरा फ़ोन। अगर किसी की कॉल आती तो उठाती हूँ, वरना तो मेरे पास फ़ोन तक नहीं होता। निहाल प्लीज। कमाल है, इतने एतमाद के साथ कहानी कर लेती हूँ। झूठ बोलना तो बहुत अच्छे से सीख गई होगी ना तुम। मैं झूठ नहीं कह रही, मैं झूठ नहीं कह रही। झूठ ये है यार, मैं झूठ नहीं कह रही। प्लीज प्लीज मेरी बात पे यकीन करें। तुम्हारी आंखों के सामने सबूत है, तुम मान ही नहीं रही। झूठ तो झूठ ही कहूंगी ना, सच तो नहीं कहूंगी ना। मैं गिल आ रही है मुझे तुमसे। दूरो, दूरो मुझसे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी झूठी और धोखेबाज निकलोगे। तुमने मुझे खुद से नजर में लाने के काबिल नहीं छोड़ा। आखिर क्यों? पीटर, I have loved you so much. Then क्यों? ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने मुझे धोखा दे दिया? मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। आप चाहे किसी की भी कसम उठवा ले, मैं सच कह रही हूँ, झूठ है। मैंने किसी को मैसेज नहीं किया। तुम भी झूठी और तुम्हारी कसमें भी। चलो चलो मेरे साथ। निहाल क्या कर रहे हैं? चलो मेरे साथ। निहाल, निहाल मेरी बात सुने। निहाल, निहाल मेरा हाथ छोड़े। चल निहाल, मेरा हाथ छोड़े। वो सारा का झूठ है, मैंने कोई पैसे दर्जी की है। निहाल प्लीज, निहाल ऐसे ना करे। निहाल छोड़े मेरा हाथ, निहाल छोड़े मेरा हाथ। निहाल, निहाल प्लीज मेरा हाथ। कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। ये मेरा और इसका मामला है, हट जाए पीछे से।
चलो मेरे साथ। निहाल इसे छोड़ो, ये कैसे सलूक कर रहे हो? क्या बात है, बात क्या है बताओ, क्या बात है? ये क्या बताएगी आप? मैं बताता हूँ, चुप चुप के इजलान को मोहब्बत भरे मैसेज भेज रही है। क्या तुम्हें अंदाजा है कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? निहाल नहीं, निहाल नहीं। ये क्या पढ़े? निहाल नहीं की। या खुदाया करीम, देखिए कि कैसे कैसे मैसेजेस किए इस नजलान को। तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया, कितना मान था इसको तुम पर, जान छिड़कता है तुम पर और तुम इसे धोखा दे रही हो। ये मैंने नहीं किए, झूठे लगभग। मुझे नहीं पता मेरे फोन से किसने मैसेज किया इजलान को, और मैं इजलान को मैसेज क्यों करूंगी? तुम इजलान से मोहब्बत करती हो? निहाल आराम से बात। पापा, मैं आराम से बोलने को कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मेरे दिल से, मेरी जिंदगी से तुम्हारी जगह हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। खुदा का वास्ता निहाल, मेरी मेरा नाम मत लो अपनी जबान से। क्या बतलू, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। मैंने वो मैसेजेस नहीं किए, खुदा का वास्ता मुझ पे इतना बड़ा जुल्म ना करे। मैंने नहीं किया ये कुछ भी, मैंने नहीं किया। अरे पर अब मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है। जब इसकी चची ने इसके बारे में मुझे सब कुछ बताया था, तो तुम तो खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाऊं मैं? मेरे बेटे को धोखा दे रही है ये, इसका मान थी, मोहब्बत करता है ये इससे, और ये धोखा दे रही है ये लड़की मेरे बेटे को, और चुप हो जाऊं मैं? बदकिरदार लड़की। मैं बदकिरदार लड़की नहीं हूं। मैं बदकिरदार लड़की नहीं हूं। मैं निहाल अहमद अपने पूरे होशोहवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। निहाल, तलाक देता हूँ निहाल, निहाल तलाक देता हूँ निहाल, निहाल निहाल। बीना, 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 बीना संभालो खुद को, बीना संभालो। ये तदबीर भी आप समझाए ना, बीना बाजी ऐसी नहीं है। अब कोशिश करने से भी कुछ नहीं होगा, वक्त गुजर गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बीना, ये सब मेरे साथ, मैं क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को पसंद नहीं किया, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे साथ ही, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे कोई भी नहीं है दुनिया में, मैं ये वक्त देने से मेरे मर क्यों नहीं गई? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सब बात नहीं, मेरे कोई गलत नहीं है। नसरीन जी, देखो बीना बीबी की सारी चीजें एहतियात से पैक करना, कोई भी इनके इस्तेमाल की चीजें रहनी नहीं चाहिए, और हाँ दवाइयां जो है ना वो अलग से डब्बे में पैक करके रखना। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
मुझे सब कुछ मुझसे बेहतर था कि मुझे मौत आ जाए। क्या हो गया? सब रहा। क्यों? मेरा तो कोई भी नहीं है मेरे बच्चे, मेरा तो माँ बाप भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कौन रखेगा अपने पास? सब्र करो, अल्लाह की जात से मायूस नहीं हो, जिसके साथ अल्लाह का सहारा हो ना उसको दुनियावी सहारों की जरूरत नहीं है। गया है करीम, आपको क्यों टहल टहल कर अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं? बैठ जाएं, मत ले इतना स्ट्रेस, कुछ तो अपना ख्याल करें। ये सब हुआ कैसे? आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे सब कुछ मैंने प्लान किया। अरे ऐसी कैरेक्टरलेस लड़कियों से और क्या तवक्कु की जा सकती है? कितना समझाया था मैंने आपको, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। ये लड़कियां तो अपने चचा फुप्पा ताया के बेटों के साथ ही जचती हैं, लेकिन नहीं, अब मिल गया सुकून आपको? मुझे क्या मालूम था कि वो मासूम शक्ल वाली लड़की इतनी चलाक निकलेगी। मुझे तो सिर्फ अपने बेटे की खुशी अजीज थी। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाए ना अपने बेटे के पास। मुझमें हिम्मत नहीं है उसे फेस करने की। वो तो इतना खुददार है कि मेरे सामने अपने आंसू भी नहीं निकालेगा। बेहतर होगा कि कुछ टाइम अकेला बैठे और अपना गम मनाए। जी बात कर रहे हैं वैसे, उसके गम में यहाँ टहल टहल के अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं, ये नहीं कि जाकर उसे गले लगा ले। मैं देखती हूँ। रमशा क्या हो गया है? तुम जानती तो हो कि करीम को स्ट्रेस रहने से ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है, अब क्या हुआ है? आप नर्स बन के वहाँ बैठी रहे, वहाँ बीना बेगम सारा सामान और जेवर लपेट कर लेकर जाए, और मामा अपनी निगरानी में नसरीन से सारा सामान पैक करवा दें। अच्छा अच्छा मैं देखती हूँ। बीना बेबी, अब से तुम्हारा शौहर भी मेरा है और तुमसे जुड़ी हर चीज भी मेरी। सब्र करो, बस सब्र करो। मिधर इससे कह दो कि यहाँ से जेवरात ले जाने की जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि लाखों के जेवरात है ना। इस बदकिरदार लड़की को देने के बजाय मैं सदका ही कर दूं तो अच्छा है ना, सवाब तो मिलेगा। कहाँ है जेवर, लेकर आओ। जी रिफत, खुदा के वास्ते खुद तो शर्म करें। उस बेचारी के सर पे पहाड़ टूट गया है मुसीबतों का और आपको चंद लाख के जेवरों की पड़ी है। हद होती है। देखो मित्र, ये यहाँ पे खाली याद आई थी और खाली हाथ ही जाएगी। मैके से तो कुछ लेकर नहीं आई थी और चची ने इसे दिया ही क्या था। जो कुछ भी यहाँ पर है ना, इसके पास वो सब हमारा है, समझी? कोई बात नहीं, मेरा तो सब कुछ छिन गया, ज़ेवरात का क्या करूंगी मैं? सब्र करो नसरीन। जी सब्र करो, इन कमरे से जाके मेरा पर्स लेके आओ, बीना को मैं खुद छोड़ के। जी अच्छा।
बच्चा तुम खुदा के वास्ते सब्र करो। सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। जुदा है जुदाई की रस्में भी सारी करेंगे अदा, रस्में करेंगे अदा। मुझसे खता क्या हुई थी बता, तेरे प्यार का मैं बजाती सदा। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए, जो तुझसे मुझे सारे गम दे गए, मुझे सारे गम दे गए। बहुत ही हुए मेहरबान मुझ पे, सभी सितम दे गए, सभी सितम दे गए। मुझ में तेरा गम दवा बन गया, लगा मर बन गया। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए, जो तुझसे आपके साथ ऐसा लगता है जैसे मैं महफूज हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे आप मेरी हिफाजत कर लेंगे। और अगर मेरा साथ ना हो तो? ऐसा क्यों कह रहे हैं?
मैं आपके बगैर कहीं नहीं जा सकती। छोड़े, ये बताएं कि पता नहीं, वादा करें कि कुछ भी हो जाए आप कभी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे। बस हाँ, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब चलो शाबाश, बताओ मुझे क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं, वो बस दिल घबरा रहा था, अजीब से वसवसे से आ रहे थे, ऐसा लग रहा जैसे आपको खो दूंगी। तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि तुमने अजलान से शादी से इनकार क्यों किया। सानिया उससे मोहब्बत करती थी। और तो? मैं आपसे शादी हुई, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। Excuse me. क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था काफी तबीयत खराब है बेचारी की। आज सुबह मैंने बीना को फोन पे किसी से बात करते हुए सुना, वो उसे ये कह रही थी कि वो इस ट्रिप को किसी भी हाल में कैंसिल करवाना चाहती है। I don't believe you. ठीक, मत करो ये। बीना बेटा, तुम्हारा घर आ गया, हिम्मत करो और जाओ। ये मेरा घर नहीं, इस घर के दरवाजे मेरे लिए तभी बंद हो गए थे जब मेरे चचा जान का इंतकाल हो गया था। इससे बेहतर था क्या मुझे किसी दारुल अमान ले जाती, मैं वहां सुकून से तो रहती। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। इन हालात में इस घर से ज्यादा तुम्हें इज्जत से पना कहीं और नहीं मिल सकती, इसलिए हिम्मत करो और जाओ। मेरा तुमसे वादा है कि कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर दूंगा। जाओ। आप ना होती तो मैं क्या करती। मेरी बच्ची सब्र कर, हिम्मत करो और जाओ। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। ड्राइवर, बीना बाजी का सामान उतारो गाड़ी से। सानिया, सानिया।
क्या निहाल भाई, क्या कह रही हो? क्या कह रही हो बीना? क्या तुम उठो उठो, हम बैठ के बात करते हैं। मेरी जिंदगी में बर्बाद ही ना उठ, मेरी जिंदगी में बर्बाद हो गई। तानिया मेरे साथ, तानिया ने बीना, बीना बेटा बताओ क्या हुआ है? पता नहीं खाला कब से मुसलसल रो रही है। बीना यहाँ क्या हुआ है? निहाल अरे बोलो भी सही ना कुछ, क्या ये वो लगा रखी है? क्या करके आई हो ऐसा? निहाल ने मुझे तलाक दे दी है। या अल्लाह खैर, अब ये सुनना बाकी रह गया। दो बोल बोल के यू फारिग कर देता है। मामा बस कर दे। पीना तुम झूठ बोल रही हो ना? पीना क्या हुआ है मुझे बताओ, क्या हुआ है? अरे बोलो ना, फूटो ना कुछ मुंह से। क्या करके आई है ऐसा? अब मुंह में घूंघिया क्यों डाल के बैठी हुई है? साजदा, साजदा इसे कहो यहां से चली जाए अभी, और इसी वक्त दफा हो जाए मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं खुद इसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। मैं इसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। मैं इसका गला दबाऊंगा। आप तो होश में आ जाए खुदा के लिए। हम पे पहले इतनी बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, पहले उसका हल तो ढूंढने दे। सानिया जाके अजलान को कॉल करो, उसे बताओ कि हमें बीना के ससुराल जाना है। मैं पूछती हूँ। अरे ससुराल जाके क्या करोगी? मैं जानती हूँ ना इसी मनहूस का कसूर है, यही है। आप चलिए खुदा के लिए चुप कर जाए, कम से कम अभी चुप कर जाए, चले जाए। मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने कुछ नहीं किया। सानिया जी, अजलान आप कब आएंगे? थोड़ा लेट हो जाऊंगा, क्या वो खैरियत? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब आप आएंगे तब बात कर लेंगे। खुदा सानिया बेटा, बात हुई तुम्हारी अजलान से? मेरी बात हुई अजलान से, उसे आज ऑफिस में काम ज्यादा है, वो तो लेट फ्री होगा। हाँ तो बेटा उसे बताना था ना कि बीना के ससुराल जाना है हमने। आप एक काम करें, आप यहाँ बीना के साथ रहें, मैं होकर आती हूँ। क्या मतलब होकर आती हूँ? तुम पागल हो गई, अकेली जाओगी वहाँ पे?
खाला जरूरी है आप परेशान ना हो, अगर आज बात नहीं हुई ना तो फिर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ बात तो ठीक है, ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ, चादर लेकर आती हूँ। आप यहाँ पे बीना के साथ रुके, मामा का कोई भरोसा नहीं है, अगर उन्हें इसके साथ यहाँ अकेला छोड़ा ना इसे घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ ये बात तो है, ठीक है बेटा खैर से जाओ और थोड़ा जल्दी वापस आना। आ जाऊंगी, आप इसके साथ ही बैठिएगा प्लीज। मेरी बच्ची की तकलीफ में दूर कर।